तो मिशन 2024 को लेकर विपक्षी पार्टियां अब एकजुट होने लगी है और इसी को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। उनका एक ही मकसद है, साल 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से दूर रखना। बैठक को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाने का भरोसा दिलाया है, लेकिन विपक्षी एकता की महाबैठक से पहले ममता बनर्जी की शर्तों से क्या इस मुहिम को झटका लग सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल ममता बनर्जी ने बैठक से पहले एक बड़ी शर्त रख दी। ममता ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस अगर बंगाल में सीपीएम के साथ चुनाव लड़ेगी तो वो भाजपा के खिलाफ उनके समर्थन की उम्मीद ना करे। अब ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि पटना में जिस महाबैठक की पहल खुद ममता बनर्जी ने की थी, वो ही अगर इस बैठक से गायब रहेंगी तो बाकी विपक्षी पार्टियों के बीच क्या संदेश जाएगा। इधर विपक्षी एकता का दुश्मन दिख रहा दूसरा दल आप है, इसने भी कांग्रेस के सामने खुली पेशकश कर दी। केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के फॉर्मूले से इसे समझा जा सकता है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले सौरभ ने कहा था कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस साल 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़े तो पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ी करेगी। भारद्वाज ने इसके लिए दिल्ली के 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों का उदाहरण भी दिया था। इसमें कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली थी। ऐसे में ऑफर और चैलेंज के बीच विपक्ष की एकता अटकी हुई दिखती है। जो फॉर्मूले कांग्रेस के सामने हैं उन्हें मानना पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि इस बात से बीजेपी जरूर खुश होगी और अब तक वो विपक्ष के इस फॉर्मूले में सत्ता की हैट्रिक लगाने का प्लान में पूरी तरीके से जुट गई होगी। इधर भाजपा ने बिहार में एक बार फिर से अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी विधानसभा चुनाव को लेकर कह रहे हैं कि साल 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बननी तय है। सम्राट चौधरी ने चुटकी लेते हुए ये तक कह दिया कि देश के कुछ लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। बहरहाल साल 2019 में भी विपक्षी एकता को लेकर कवायद शुरू की गई थी, लेकिन इसका हश्र क्या है ये आप सभी के सामने है। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। अब देखना होगा कि सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में साल 2024 को लेकर ये जो विपक्षी एकता की जा रही है वो कितना कारगर साबित होगा। नमस्कार।